Redmi Note 12 Pro Plus 5G की जो है इंडिया में कंफर्म डेट आ चुके हैं कि 21 दिन यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और ये मैं जो है आपको इस वीडियो तरफ बताने वाला हूँ, इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ स्पेक्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैसे फीचर होंगे, सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो Redmi Note 12 Pro Plus जो 5G है, सिर्फ यही एक ऐसा स्मार्टफोन है जो शायद इंडिया में जो है लॉन्च होने वाला है। और यहां पर इन्होंने Redmi इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, चाहे Xiaomi इंडिया का ट्विटर हैंडल है, वहां पर सिर्फ इसी स्मार्टफोन के बारे में मेंशन करा गया है। जी हां दोस्तों, इसी स्मार्टफोन के बारे में जो है मेंशन करा गया है यहां पर ट्विटर के ऊपर भी। और जो है यहां पर इनका जो पोस्टर निकला है उसमें लिखा है कि 5 जनवरी 2023 को जो है Redmi Note 12 Pro Plus 5G जो है वो इंडिया में लॉन्च करा जाएगा। अब एक सवाल आता है कि Redmi Note 12 5G एंड Redmi Note 12 Pro क्या, तो अभी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी इनका जो पोस्टर आया उसमें सिर्फ Redmi Note 12 Pro Plus 5G के बारे में लिखा है। तो मुझे लगता है सिर्फ Redmi Note 12 Pro Plus 5G 5 जनवरी 2023 को यहां पर लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ले तो यहां पर आपको 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, 120 हर्ट्ज की जो है रिफ्रेश रेट होगी, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट होगी, कोर रिंग ओएस 5 का प्रोटेक्शन होगा और यहां पर डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा और 10 बिट का जो है यहां पर डिस्प्ले यूज होने वाला है। तो डिस्प्ले काफी बढ़िया इसके अंदर रहेगी और फ्लैट डिस्प्ले यहां पर रहेगी ये। और बैक डिजाइन की बात करें तो आपको बैक के अंदर जो है यहां पर साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का मिल जाएगा और ग्लास बैक यहां पर देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको जो है यहां पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलने वाला है और ट्रिपल कैमरा सेटअप के अंदर जो प्राइमरी कैमरा होगा, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहेगा इस स्मार्टफोन का, वह है यहां पर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद OIS। ये दोस्तों 200 मेगापिक्सल के साथ जो है OIS मिलेगा और ये सैमसंग का कैमरा है, पहले बता रहा हूं सोनी का कैमरा नहीं है। 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP XS वाला सेंसर इसके अंदर यूज करा गया और OIS भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा और 2 मेगापिक्सल का वो फालतू का मैक्रो लेंस यहां पर देखने को मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो हमें रियलमी 10 प्रो प्लस 5G में भी देखने को मिला है। सेम वही वाला प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा, 6 nm के ऊपर बेस है और लगभग स्नैपड्रैगन 778G के आसपास का जो है आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो चिपसेट काफी बढ़िया है और इसके अंदर आपको 4K का भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग जो इसके अंदर 4K वीडियो देख भी सकते हैं, HDR का भी सपोर्ट मिल जाएगा और साथ में जो है आप लोग यहां पर कैमरा से भी 4K में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ये चीज काफी बढ़िया है इस प्रोसेसर की। और इस प्रोसेसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैटरी बैकअप काफी बढ़िया निकाल के देता है। अब बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर जो आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी और 120 वाट का जो है चार्जर देखने को मिलेगा और बैटरी और चार्जर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया मुझे यहां पर लगा। 120 वाट की यहां पर चार्जिंग आएगी, Redmi सीरीज में पहली बार इंडिया में जो है 120 वाट का यहां पर चार्जर देखने को मिलेगा और Redmi सीरीज में पहली बार OIS का सपोर्ट भी यहां पर आएगा। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और सेंसर की बात करें तो जितने भी स्मार्टफोन में सेंसर होते हैं वो सभी सेंसर मिलेंगे। इवन यहां पर आपको 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने वाला, टाइप सी का पोर्ट रहेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर रहेगा, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट रहेगा। तो भरपूर चीजें यहां पर मिलने वाली है स्मार्टफोन में। और उसके बाद जो है इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात करें रैम वगैरह के बारे में, तो यहां पर आपको LPDDR 4X की रैम होगी और UFS 2.2 वाली यहां पर स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो सेम यही सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो चाइना में भी गया है और वही सेम चीज हमें लग रहा है यहां पर इंडिया में भी देखने को मिलेगी। अभी यहां पर जो Redmi और Xiaomi वाले इसको ऑफिशियली जो टीज कर रहे हैं सिर्फ 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। अभी स्मार्टफोन में अदर जो फीचर्स होते हैं, डिस्प्ले वगैरह होंगे या अदर 120 वाट की चार्जिंग होगी, इसको ये लोग टीज नहीं कर रहे। बट हमें लग रहा है और जो रूमर्स एंड लीक्स बता रहे हैं कि इसके अंदर सेम वही जो चाइना में लॉन्च हुआ है Redmi Note 12 Pro Plus 5G वही यहां पर इंडिया में आएगा। और हम प्राइसिंग की अगर बात करें, एक्सपेक्टेड प्राइस यहां पर क्या रहेगी, तो चाइना में 6GB 128GB का जो प्राइस गया है ना वो 24,500 के आसपास गया है। तो इंडिया में तो 24,500 में नहीं आएगा अगर 6GB 128GB लॉन्च होगा तो। और ऑब्वियस ही बात है कि 6GB 128GB जरूर लॉन्च होगा यहां पर इंडिया में। तो इंडिया में जो प्राइसिंग और लगभग 27 के आसपास यहां पर देखने को मिल सकती है अगर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ जो चाइना में जो Redmi Note 12 Pro Plus लॉन्च हुआ है ना, अगर सेम वही स्पेसिफिकेशन के साथ अगर ये लोग इंडिया में लेके आते हैं तो प्राइसिंग बहुत जाने वाली है, 25,000 के ऊपर चल जाएगा। अगर चाइना वाली सेम चीज नहीं उठा के लाए ये लोग, जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर दिया या चार्जिंग स्पीड 67 वोल्ट की कर दी या यहां पर प्लास्टिक बैग दे दिया या यहां पर कुछ और भी चीजें कर दी, कम कर दी, तब तो ये अंडर 25,000 में आ सकता है। बट सेम टू सेम जो चाइना में लॉन्च हुआ ना Redmi Note 12 Pro Plus, अगर वो उठा के ये लोग लेके आते हैं तो 25,000 में ये स्मार्टफोन नहीं मिल पाएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाइना में 24,500 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो इंडिया में तो
भूल ही जाइए कितने में देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन चाइना में जो है MIUI 13 एंड्रॉइड 12 पर रिलीज हुआ है, तो इंडिया में भी आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो 5 जनवरी को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। अगर इस बीच में कोई और भी स्मार्टफोन की न्यूज़ आती है जैसे Redmi Note 12 Pro या Redmi Note 12 5G की, तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप Xiaomi के रिगार्डिंग अपडेट्स की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि Redmi Note 12 Pro Plus 5G जो है सेम टू सेम चाइना वाला आएगा कि कुछ उससे कमियां करके ये लोग लेके आएंगे, और आपको प्राइसिंग कितनी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।